मतलब आपने फिर फर्स्ट जॉब के लिए कितने इंटरव्यूज देने पड़े आपको, और जैसे आपने बोला आपने बहुत सारे रिजेक्शंस भी फेस किए। मेरे को नहीं लग रहा था यार इतना कॉन्फिडेंट बनता कैसे, अंदर से कहां से जग गया करके। अरे यार वो याद करने से पता है थोड़ा इमोशनल फेस है, लेकिन मैं सच बताऊं ना, अच्छी चीजें स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला जॉब से खत्म, मतलब लास्ट वर्किंग डे से पहले करीब 15 से 20 ऑफर लेटर आ गए थे। ठीक है, अच्छा ये गुड स्टार्ट है। मैंने रिजेक्शन तो कम से कम बहुत, मतलब आप मानोगे नहीं, इनिशियली तो 5 या 10 इंटरव्यूज तो रिजेक्शन से किए होंगे, बस बस रिजेक्शन और कुछ भी नहीं। इट इज ऑल रिजेक्शन। आप खुद कॉन्टेम्पलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं हर इंटरव्यू पर बैठता था, लिखता था मैंने क्या गलती की, किस क्वेश्चन का आंसर मैं और अच्छा दे सकता था, तो ये सब मैं खुद बैठ के लिखता था और उसके आंसर निकालता था, उसको कैसे फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में अच्छा दे सकूं, ये चीज़ मैं करता था। और SQL का क्वेश्चन हो, प्रैक्टिकल लेवल क्वेश्चन हो, तो वो मैं इंटरनेट में देखता था, पहले खुद ट्राई करता था। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, प्रेशर होता है, एक टाइम का प्रेशर होता है, और जो इंटरव्यूअर है वो भी थोड़ा प्रेशर क्रिएट करता है, उस हिसाब से आप अपना बेस्ट नहीं देख सकते हो। क्योंकि मैंने रियलाइज किया अगर आपने 100% तैयारी की है ना, तो आप 50 से नीचे % आप दोगे इंटरव्यू में, तो आपका प्रिपरेशन 200% होना चाहिए, तब आप जाके 100% या 90% दे पाओगे, वैसा हो जाता है। तो इसीलिए अपना बेस्ट, अपना प्रिपरेशन इतना हाई रखना ही पड़ेगा, और वो मैं समझ गया था फिर रिजेक्शन के टाइम पे। और क्योंकि हर रिजेक्शन को मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था, पेपर पेन लेकर के बैठ रहा था, लिख रहा था क्या क्या गलती हो सकती है, फिर वापस से देखता था कि जो मैंने पढ़ा है उसी में से है, एंड 90% वही चीज़ रहती थी, मैंने ही गलती की है, तो वापस मैं जाता था उसको पढ़ता था, उसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ, पहले वो अप्रोच रहता था। फिर उसके बाद मैंने ऐसे फिर जैसे सुधार करते गया, फिर मेरे को अप्रिसिएशन मिलते गया, फिर ऐसे करके 1 2 3 4 5 और उसके बीच में भी एक दो रिजेक्शन आ सकते हैं, ऐसे करके कम से कम 10-15 ऑफर लेटर आ गए होंगे। फिर क्योंकि मैंने ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे टक 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 दो दो एक एक दो दो लाख के ऊपर 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 बढ़ता गया। एंड फिर क्या कहते हैं, और कुछ कुछ कंपनियां, जैसे कि अगर समझ लो मैं एक नंबर पे पहुंच चुका हूँ, समझ लो 20 लाख पहुंच चुका हूँ, 20 लाख ऑफर लेटर मेरे हाथ में है, तो अभी अगर कोई कंपनी कॉल करेगी बोलेगी हम 15 लाख दिख सकते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा यार, नहीं चाहिए। हाँ ये है कि आपकी ड्रीम कंपनी हो तो बात अलग है, आपको सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, वो कंपनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप जा सकते हो। 15 लाख की है, मतलब उस टाइम मेरे लिए, मैंने बोल दिया आप ऑफर लेटर मत ही भेजो, क्योंकि 15 लाख का ऑफर लेटर मैं एक्सेप्ट तो करने नहीं वाला, तो 15 लाख क्यों भेजोगे, मत भेजो करके मैं ऐसे बोल देता था। तो वैसे करीब 5-6 ऑफर लेटर मैंने ऐसे ही मिस कर दिए होंगे, या फिर मतलब आए नहीं होंगे मेरे पास। वैसे देखा जाए तो ऐसे 15-20 ऑफर लेटर उस टाइम आ गए थे। एंड क्या कहते हैं, मतलब बहुत स्ट्रगल तो रहता है, क्योंकि हर एक रिजेक्शन आपको तोड़ता रहेगा, और आपको वो चीज़ याद करनी है, क्योंकि आपका गोल बहुत क्लियर रहना चाहिए, आपको वो चीज़ याद करनी है, फिर बोलना है कि नहीं ये एक स्टेप है। फेलियर इज़ नॉट, यू डोंट गिव अप, ठीक है, सक्सेस इज़ व्हेन यू डोंट गिव अप, फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बनाते बनाते आगे बढ़ते हो। फिर ऐसे आगे बढ़ते गए, तो मेरा भी सजेशन यही रहेगा कि अगर आप IT में हैं और समझते हैं कि कुछ कुछ लोग का है कि अगर वो उनके लिए नहीं है तो नहीं है, कुछ कुछ लोग के लिए, बट अगर आप हैं, बट ये है कि मैं बोलूंगा कि आप ऐसे एक दो में इंटरव्यू देके मत डिसाइड करो कि मेरा तो मेरा तो नहीं होगा, नहीं, कम से कम 10-15-20 इंटरव्यू सोचो, कम से कम 2 महीना दो, अच्छे से टाइम दो। पहले चीज तो ये है कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर प्रिपरेशन, अगर आप सेटिस्फाइड अपने प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर तो भाई कोई बात नहीं है, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप इंटरव्यू खराब ही करोगे ऑब्वियसली, ठीक है, बट आप सेटिस्फाइड हो कि मैंने जो इंटरव्यू दिया है, प्रिपरेशन किया वो अच्छा है, और इंटरव्यू आपका 5-10% से फेल हो रहा है, कि आप कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हो, वो चीज़ आप सुधार करते रहो, एंड जो आपके क्वेश्चन आप दे रहे हो आपको लग रहा है अच्छा है, उसको और अच्छा करो, फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे यार, पक्का मिलेंगे। मेरे जैसा वर्स्ट सिनेरियो तो नहीं है। एंड ये है कि मैं बोलूँगा उस सीजन में, मतलब पहला कंपनी, मतलब पहला स्विच करने के लिए करीब 100 से ज़्यादा इंटरव्यू देंगे टोटल में, 100 से ज़्यादा, एक ही कंपनी का 2-4 राउंड भी हो सकता है टोटल मिला के। ऐसे कैलेंडर में गिन रहा था तो 80-90 मेरे कैलेंडर में 80-90 थे। एंड कुछ कुछ होता है कि जूम में भेज देते हैं, कुछ कुछ होता है मैसेज करके भेज देते हैं, कुछ कुछ कॉल पे 1-2 राउंड ले लेते हैं, तो ऐसे गिनोगे तो करीब 100 के ऊपर तो पक्का रहा होगा इंटरव्यू, टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यू उस टाइम पे। और आपने बोला कि आपको 15 से 20 ऑफर मिले थे, तो आप
कंपनी का नाम बताना चाहोगे कि किस किस कंपनी के ऑफर लेटर थे आपके पास? मेरे को जितना याद आता है मैं बोलता हूँ, ठीक है? मेरे को याद भी नहीं, कुछ कुछ कंपनी बहुत ज्यादा छोटे थे तो याद भी नहीं शायद मेरे को। तो उस टाइम पे मेरे पास ऑफर थे, L&T का था, L&T बहुत ज्यादा लड़ा था याद है मुझे इसीलिए। L&T था, कॉग्निजेंट था, फिर इंफोसिस था, फिर ITC इंफोटेक, वो था बड़े बड़े नाम जो याद आ रहे हैं, कुछ कुछ छोटे भी थे। इंसिडो था, इम्पेटस था, फिर और SLK सॉफ्टवेयर्स था, एंड और भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के थे, छोटे छोटे कंपनी के थे, नाम याद नहीं आ रहे ये कुछ कुछ नाम याद आ रहे हैं। हाँ तो टेक महिंद्रा भी होगा, खास याद नहीं रहा। और उस टाइम पे एक कोई कंपनी तो थी यार, आदित्य बिरला इन्फोटेक करके कुछ थी शायद, उनने भी मेरे को बहुत तंग किया था ऑफर लेटर भेजने के लिए। दो राउंड के बाद, मेरे को याद है, दो राउंड के बाद वो लोग थर्ड राउंड मैनेजर राउंड या चार राउंड कुछ शेड्यूल नहीं करवा पा रहे थे, और तब तक और तीन चार ऑफर लेटर आ गए थे मेरे पास। तो मैं उन पर गुस्सा हो गया, भाई आप लोग बोलते हो इंटरव्यू शेड्यूल करते नहीं करके। फिर इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद फिर क्या कहते हैं, जब सैलरी का डिस्कशन आया कि ऑफर लेटर भेजेंगे, तब तक पांच छह ऑफर लेटर आके ऑलरेडी मेरा नंबर बढ़ चुका था। तो मैंने बोला नहीं चाहिए यार, आप लोग दो हफ्ते में लोग इंटरव्यू मतलब ऑफर लेटर दे रहे हैं, आप लोग एक महीना हो चुका है ऑफर लेटर नहीं दे रहे थे, थोड़ा मैं अपसेट हो गया था। फिर मैंने बोला कि मत दो ऑफर लेटर करके। ऐसे कुछ कुछ कंपनी का ऐसे भी हुआ था। और मतलब क्योंकि आपके पास इतने ऑफर थे तो आपको सीधी सी बात है हाइक भी बहुत अच्छी मिली होगी, तो आपको कितनी हाइक मिली थी? फिर आप नंबर्स बता सकते हो, परसेंटेज बता सकते हो कितना था? 400-500% तो होगा, 400 के आसपास, यहाँ 350 400 के ऊपर तो रहेगा, 400 के आसपास, 400 से ऊपर रहेगा। 7 लाख से 400% हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट 40-45 तक चला गया होगा आपका। 30-35 तक गया था। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा था, मतलब 4 साल के बाद अगर आप देख रहे हो तो काफी अच्छा सैलरी मिला फिर। हाँ मिला। हम ना आपकी मेहनत भी है, ऐसे नहीं बोल रहे सिर्फ आपको मिल गया, मेहनत की वजह से मिला है। मेहनत तो है, एंड मैं बोलूंगा कि माँ बाप का आशीर्वाद भी है, भगवान का आशीर्वाद है। ऑब्वियसली मैं अपने पूरा क्रेडिट तो मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है। एंड मैं एक्चुअली अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, जो लोगों ने डाउट किया, क्योंकि एक लड़के के मन में ऐसा रहता है यार उसको गलत बता के बताता हूँ मैं जो चीज़, जो लोग डाउट करते हैं, जो चीज़ जो लोग तुम्हारे बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, उनको भी एक जवाब देने के लिए भी तुम कुछ करते हो। तो आई सीरियसली वांट टू थैंक देम, अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो शायद मैं इतना गुस्सा नहीं होता। देखिए उस टाइम पे थोड़ा एक टफ टाइम था, टफ फेज था, जिससे एक मेंटल ट्रॉमा जैसा हो सकता है। उस फेज में आई हैड ओनली ऑप्शन टू वर्क हार्ड, क्योंकि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ मैं। तो दैट वे द ओनली ऑप्शन वॉज टू वर्क हार्ड एंड गिव माई बेस्ट। तो वो एक ही ऑप्शन था मेरे पास, तो वो एक था। एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स का सपोर्ट, एंड जो जो मेरे को जो लव वंस हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं, उनका जो था, मेरे कुछ कुछ दोस्त हैं, मैं सच में बोलना चाहूँगा कुछ कुछ दोस्त हैं, विशाल करके एक मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे कॉलेज टाइम से है, वो हर समय अवेलेबल रहता था मेरे लिए, पता है? मतलब मैं जब भी लो फील करूँगा, जब भी ख़राब लगेगा मुझे, अभी भी, आज भी, आजकल भी, कभी भी, अगर मेरे को कुछ होता है ना, मेरे को किसी से बात करनी है, कुछ है, वो मेरे लिए फ्री रहता है, बाकी कोई दुनिया फ्री होने, क्योंकि एक स्टेज पे आप पेरेंट्स से हर चीज़ नहीं बता सकते हो ना। भले मेरे पेरेंट्स बहुत क्लोज हो, वो हर चीज़ सुनेंगे, मदद करेंगे, बट हर चीज़ नहीं बता सकते, तो एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो विशाल करके मेरा दोस्त था, वो है, एंड और भी कुछ कुछ दोस्त हैं, वेल विशर्स हैं, इवन मेरे कुछ कुछ मेंटोर्स, गाइड्स बोल सकते हो, मेरे दूसरे पाथ में उन सब, वो लोग भी बहुत, उनका सपोर्ट, उनका ब्लेसिंग्स, ये सब चीज़ें ओवरऑल फिर 30-35 तक पहुंच गए थे वहाँ पे। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, वो लोग क्या पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि QA में सैलरी नहीं है, वो मुझे क्या पूछते हैं पता है, कि सर 10 साल वाला कोई बंदा है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, उसको 30 लाख मिलता है क्या? तो मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे देख लो, ये पॉडकास्ट में कृष्णा को 4 साल के बाद 30-35 तक वो पहुंच गया था। 10 साल, हाँ, मतलब 4 साल में भी 30-35-40 तक भी पहुंच सकते हो, वो तो फिर आपके ऊपर है, आप वो रेंज को कितना लेके जा सकते हो। करेक्ट। तो फिर कृष्णा आपके पास अभी 15 ऑफर आ गए होंगे, मुझे पता है आप खुशी से जो मोटे रह गए, 15 ऑफर आ गए,
लेकिन अभी और एक आता ना कि अभी इसमें से आपको एक ही कंपनी चूज करनी है, तो आपने फिर वो कैसे डिसाइड किया कि ये 15 ऑफर में से मैं ये कंपनी में चला जाऊंगा? हाँ, तो उस टाइम पे मेरा इतना दिमाग था नहीं, इमेच्योर बोलोगे, तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी चूज की जिसने 33 तक का दिया था मेरे को, तो उस वो मैंने ज्वाइन कर ली। 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था एंड वो एक्सटेंड होके करीब 8-9 मंथ्स का हो गया था, तो ऐसा था। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद फिर से वापस से जॉब सर्च स्टार्ट, सब कुछ स्टार्ट, वापस से स्टार्ट किया फिर सब कुछ। मतलब आपने देखा कि कौन सी कंपनी हायर सैलरी दे रही है, फिर आपने वो चूज कर दिया? वैसे वो चूज कर लिया, वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। बाकी जो भी सुन रहे हो भाई, वो गलती मत करना ठीक है। मैं कुछ ज्यादा ही अलग लेवल पे चल रहा था एकदम, इंटरव्यू फोड़े जा रहा हूँ ऑफर लेटर फोड़े जा रहा हूँ मैं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं उस टाइम क्या भूत सवार हो गया था मेरा, मैं रुक ही नहीं रहा था। एंड फिर मतलब उसके बाद फिर जैसे 8-9 महीने खत्म हो गए, फिर मेरे को जॉब फिर से ढूंढना स्टार्ट किया। फिर मैंने ज़्यादा इंटरव्यू नहीं देंगे, 4-5 इंटरव्यू दे करके ऑफर लेटर निकाल के चला। और उसमें फिर उसके बाद कितना हाइक मिला आपको? हाँ यार, वो तो अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ ठीक है। अच्छा, जो इस अभी जो रेसेशन ये सब बातें कर रहे हैं ना, उससे बहुत कनेक्ट करेंगी लोगों को, और जिन जिन ने मतलब थोड़ा सुनाता हूँ मैं, आपको मज़ा आएगा ठीक है। तो हुआ था कि मैं टाइम, कंपनी का नाम, ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगा, सैलरी बताऊँगा, थोड़ा आइडिया मिलने आए ठीक है उसके लिए। तो हुआ क्या कि मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इंटरव्यू मेरे इतने अच्छे गए, कुछ कुछ इंटरव्यू खराब जाते थे, कुछ कुछ इंटरव्यू अच्छे जाते थे, तब तक मेरे को पूरा मोमेंटम पता चल चुका था, तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा सोच नहीं रहा था। तो इंटरव्यू मेरा किसी कंपनी में अच्छा नहीं गया ठीक है, अच्छा नहीं गया, मेरे को होप नहीं था कि कॉल वॉल आएगा सेकेंड राउंड के लिए, तो मैं ऐसे थॉट में था, बट कॉल आ गया ठीक है कि सेकेंड राउंड के लिए मतलब मेरा बहुत वाहियात इंटरव्यू गया था उस टाइम तक, क्या कहते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू भी स्टार्ट कर दिए थे, तो उन लोगों ने फेस टू फेस इंटरव्यू दिया, तो पहला राउंड हुआ, इतना अच्छा गया नहीं। मैंने आप मानोगे नहीं, 10 क्वेश्चन अगर पूछोगे, मैंने 4 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया होगा, ऐसा था, 10 में से 4 आंसर नहीं दिया। और मैंने सोचा इससे वाहियात इंटरव्यू क्या ही दूंगा यार, 100-200 इंटरव्यू दे चुका हूँ अभी, ये क्या है, ये क्या है, मैं अपने आप पे थूक रहा था, पता है इतना खराब इंटरव्यू गया था मेरा। बट फिर मैं आया, जो भी क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं दिए थे, मतलब सेम जो भी क्वेश्चन थे मेरे को आता है, बट उसको मैं उस तरह से नहीं करवा पाया। मतलब अगर मैंने आंसर लिखा एक, मतलब उसने कुछ एसक्यूएल क्वेरी पूछी, मैंने लिखा उसको, तो उसने बोला इस तरह नहीं, इस तरह करो, उस तरह का फिर मेरे को आइडिया नहीं आया। फिर मैंने एक और 2-3 तरीके लिखे, फिर उसको मैं कन्विंस नहीं था, फिर वो बोला इस तरह से करो, उस तरह से फिर मेरे को आइडिया आ नहीं रहा था। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे जो मैं आंसर नहीं कर पाया, बट मेरे को लगा कि यार ये थोड़ा लीनियंट हो गया, मैं पढ़ाई करता, थोड़ा प्रैक्टिस करता, तो ये तो बहुत ईजी था। फिर मैं जब गया, मैं जहाँ पार्किंग की थी गाड़ी, फेस टू फेस था ना, तो मैं पार्किंग की थी, मैं वहाँ गया, और उसी टाइम ही मैंने नोटबुक पेन निकाला, मोबाइल निकाला, मैंने जो भी नोट्स था, जो आंसर मिस किए थे, उसी टाइम मैं लिखने लग गया। और जैसे ये मैं कर रहा था एक्टिविटी, बाइक में बैठ के ही कर रहा था ये सब एक्टिविटी, जब मैं सही में कर रहा था, उसी टाइम कॉल आ गया कि यू आर सेलेक्टेड, फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका है, सेकंड राउंड देना। मैंने बोला वाह भाई, ये क्या चल रहा है, बहुत अच्छे चल रहे हैं ये क्या चल रहा है करके। फिर मैंने बोला कि ठीक है 1 घंटे बात करते हैं, क्योंकि बैंगलोर का ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो था तो 20 किलोमीटर, मैं जा सकता था 1/2 घंटे में, बट फिर भी मैंने बोला 1 घंटे बात करते हैं। तो उसी दिन शाम को फिर मैंने सेकंड राउंड लिया, सेकंड राउंड बहुत अच्छा गया, उन्होंने जो भी टेक्निकल पूछे सब मैंने अच्छे आंसर किए, डायरेक्टर लेवल पे दो लोग थे, उन लोगों ने क्वेश्चन 1 घंटे तक पूछे, बहुत अच्छा गया। फिर वो मेरे को अच्छा लगे भाई, ये तो पक्का निकल जाएगा। सेकेंड राउंड के बाद फिर मेरे को पूरा पक्का क्लियर हो गया था कि ये निकल जाएगा। फिर उससे पहले ही मैंने 2 कई इंटरव्यूज दिए थे, तो फिर मेरे को 33 के आसपास पकड़, मतलब उस टाइम 33 था, उसके ऊपर अगर जाना है तो 40 के ऊपर मिलने वाला है, तो उस तरह से मैं डिमांड कर रहा था। तो ऐसे उस टाइम पे शायद माइंडट्री का LNT के साथ मर्जर हुआ ना, इन दोनों का मर्जर। हाँ हाँ LTI माइंडट्री हो गया, LTI माइंडट्री करेक्ट। हाँ उस LTI माइंडट्री के मैंने 40 के आसपास मांगा था, बट वो लोग थोड़ा बहुत झिझकचा रहे थे 40 देने के लिए। तो फिर पता नहीं, उनने ऑफर लेटर तो दिया नहीं, HR राउंड अच्छा ही गया था, 2-4 राउंड हो गया था, फिर एक और कंपनी ने 40 के आसपास, 40 के थोड़ा ऊपर दे दिया। फिर ये जो कंपनी थी जो मैंने बोला ना कि फर्स्ट राउंड तो खराब गया, सेकंड राउंड बहुत अच्छा गया, फिर ये लोग पता नहीं डिस्कशन किए, 1-2 हफ्ता ले लिए, कुछ बोल नहीं रहे हैं ठीक है। मेरे को कॉल करेंगे हर 2-3 दिन कॉल करेंगे, बट ऑफर लेटर नहीं दे रहे हैं, HR राउंड करवाएंगे सब बोल बोल के
ठीक है, फिर अच्छा राउंड एक दिन रात को 10:30 बजे रात को करवाया। अच्छा राउंड रात को 10:30 बजे के आसपास होकर करवाया, और उस टाइम फिर उनने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, उनने कंपनी के बारे में बताया और डायरेक्ट बोला कि हम इतना ऑफर करेंगे सीधे 50 के ऊपर। अच्छा मैंने बोला भी नहीं कुछ भी, मैंने कुछ नहीं बोला, कोई नंबर नहीं कुछ नहीं, उनने खुद ही बोला वी आर रेडी टू ऑफर सिंस यू हैव अ ऑफर ऑफ 40 समथिंग, तो वी आर रेडी टू ऑफर यू 50 ये वो करके, फिर उसमें ईसॉप्स भी ऐड कर दिए, एम्प्लॉय स्टॉक्स होते हैं ना वो ईसॉप्स भी ऐड करके सब कुछ करके 50 के ऊपर चढ़ा दिया पूरा। अच्छा चाहिए यार, मैंने तो पूछा भी नहीं कुछ भी अपने से कुछ फिर मैं उसके बाद इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने बोला 50 के ऊपर आ गया अब क्या है, 5.5 साल का एक्सपीरियंस टोटल, 6 साल भी नहीं हुआ है उसमें, 50 के आसपास आ गया फिर क्या चाहिए करके, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने उनने इमीडिएट ज्वाइनिंग बोला तो मैंने इमीडिएट एक दो दिन के बाद ज्वाइन कर लिया, एंड फिर उसके बाद का स्टोरी जो है। कृष्णा हाँ, ये स्टोरी बोलने के पहले मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, तो आपने 50 बोला मतलब वो आपका फिक्स सैलरी था कि टीटीसी था, क्योंकि उसके ऊपर आपको ईसॉप्स भी मिले थे, बराबर स्टॉक्स भी मिले थे, तो आप बता सकते हो कि कितना मिला था टोटल सीटी से आपका किधर तक जा रहा था? ये भी बोला था जो ईसॉप्स मिले हैं आपको हर एक साल आप इतना इतना परसेंट आप क्या कहते रिडीम करवा सकते हो तो उतना निकाल सकते हो, तो वो रफली 1-2 लाख हर साल निकाल भी सकते हो बेचते हो तो स्टॉक्स है, तो उस तरह बोला कि पहले साल में 20% फिर 30% ऐसे करके, तो 5 साल में आप पूरा अपना 100% जो आपको मिला है वो आप बेच सकते हो 5 साल तक के ड्यूरेशन में। तो देयर प्लान वाज कि अगर एक एम्प्लॉय आता है तो 5 साल तक तो रहे कम से कम ईसॉप का एडवांटेज लेने के लिए, ऐसा कुछ है पता नहीं प्लानिंग होगी। तो हाँ मतलब ये अच्छा था, मतलब सबको लग रहा होगा कि हाँ अभी कृष्णा को 50 LP मतलब अगर सिटी से देखे तो 60 तक तो पहुंच गया अगर स्टॉक्स और वो सब देने तो, लेकिन इसके बाद की जो स्टोरी है अभी हम लोग वो सुनेंगे कृष्णा से कि उसके बाद क्या हुआ, और ये सब अब सबको सुनना चाहिए कि ये स्टोरी क्या था, तो कृष्णा प्लीज वो स्टोरी बताइए। सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है बस उसके बाद वाला, इसलिए मैंने बोला कि ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ एक्चुअली हम लोग प्लान नहीं किए थे ना ये डालने के लिए, बट फिर लास्ट मोमेंट में हमने सोचा कि ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, लोगों को जानना चाहिए एंड हाउ टू टैकल दिस ऑल्सो थोड़ा देखेंगे। तो हुआ क्या कि ऐसे 10-15 दिन काम हो गए, वो मतलब मैंने ज्वाइन करने के मंथ एंड आ गया, तो ज्वाइनिंग बोनस ये वो मिला कि बहुत अच्छा पैसा आया उस महीने का, मतलब कुछ दिन का पैसा जितना दिन है काम किया ज्वाइनिंग के बाद उतना, एंड ज्वाइनिंग बोनस वो सब मिला के अच्छा पैसा आया अकाउंट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट महीने तो मैंने 2-4 दिन की छुट्टी ले ली, ये कुछ काम था गांव जाना था ये वो कुछ करके मैंने छुट्टी ले ली और कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम ले लिया। एंड मैंने वैसे देखा कि टीम में ऐसा कुछ काम स्टार्ट हुआ नहीं था प्रोजेक्ट में, ठीक है मतलब डेवलपर को भी क्लियर नहीं था काम क्या करना है, अभी टेस्टर क्या ही करेगा यार फिर मैंने सोचा कि काम स्टार्ट नहीं ही हुआ है तो ऐसे छुट्टी लेने में प्रॉब्लम क्या है करके, तो मैंने ऐसे टीम वालों से भी बात किया जो ऑफिस में, मतलब वहाँ ऑफिस हर दिन जाना पड़ता था तो वहाँ ऑफिस लोगों से ही बात की, तो उन लोगों ने उनसे सुन के ऐसा लगा कि ठीक ठाक ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यार, काम तो स्टार्ट हुआ भी नहीं है, तो दैट वे मैंने छुट्टी ले ली थोड़ी एंड ऐसा बस छुट्टी ली बस, ठीक है 4 दिन समझ लो छुट्टी ली बस। और फिर वापस आया 1-2 दिन कुछ और लगा मुझे, कुछ तो गड़बड़ है करके, कोई प्रोजेक्ट में ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के मीटिंग्स हैं वो भी मेरे कैलेंडर में नहीं है, ऐसा कुछ गड़बड़ है, तो कुछ गड़बड़ लगा बट मैंने सोचा ठीक है कोई नहीं मैं छुट्टी गया तो शायद पता नहीं है मैं वापस आ गया हूँ करके ऐसा कुछ होगा, तो 1-2 दिन हो गया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, जैसे मैं ऑफिस गया तो मैं मतलब वो हमको रात तक काम करना है, US का क्लाइंट है तो रात तक काम करना है, 9-10 बजे तक मीटिंग रहेगी, तो मोस्टली सब लोग 12-1 बजे के बाद ही आते थे ऑफिस और शाम को चले जाते थे 6-7 बजे एंड घर से जाके मीटिंग अटेंड करते, क्योंकि मीटिंग सब 10-11 बजे तक बच जाएगी, कौन 11 बजे ऑफिस से जाएगा करके, तो चले जाते थे लोग। तो इस तरह से फिर मैं ऐसे ही 1-2 बजे पहुंचा, फिर HR ने बोला कि मीटिंग करनी है,
मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं, मेरा अभी तो कुछ काम है नहीं। उसने बोला नहीं मैं बिजी हूँ, 6 बजे के बाद करेंगे शाम को। मैंने ठीक है ओके 6 बजे के बाद। फिर 6 बजे मैंने पिंग किया क्योंकि मैंने सोचा चलता हूँ ना अभी मीट, ये या तो HR से बात करेंगे या तो घर चले जाएंगे क्योंकि मीटिंग 7-8 बजे के बाद है सब, तब तक घर चले जाएंगे खा डिनर कर लेंगे, तो ऐसा सोच के मेरे दिमाग में प्लान था। तो फिर 6 बजे मैंने पिंग किया तो उनने 6:30 बजे भी रिप्लाई किया और बोला कि ठीक है कैन वी मीट नाउ करके। और 6:30 से 10 मिनट पहले की बात है IT का एक बंदा आया, बोला कि आपके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है। बोला अच्छा ठीक है मेरे पास देखो अभी देखना है, ठीक है देखो लो कोई प्रॉब्लम नहीं। लैपटॉप दे दिया मैंने, वो कुछ देख रहा था उधर मेरे डेस्क पे, मैं जहाँ बैठा हूँ उधर बैठ के ही देख रहा था। और फिर मैं HR के साथ मीटिंग रूम में गया और HR बोलती कि द मैनेजर्स आर नॉट हैप्पी एंड द कंपनी वांट्स टू टर्मिनेट यू। क्या 15 दिन में कौन सा परफॉर्मेंस पता चल जाता है भाई? मैं बोला ये क्या चल रहा है, मतलब एक सेकंड के लिए तो मैं थोड़ा ऐसी आई वाज टेकन अबैक, क्या मतलब आई वाज शॉक्ड भाई ये क्या हो रहा है, मतलब मजाक कर रहे हैं क्या है सीन भाई? कुछ नहीं बस वैसे ही कंपनी से निकाल रहे हैं। फिर मैं बोला कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम है क्या है, एक हफ्ते का टाइम दे दो मुझे, मैं काम करता हूँ ना, क्योंकि हायर तो मुझे इसलिए मेरे स्किल सेट पे किया था ना, तो थोड़ा टाइम दो करके। तो नहीं कुछ नहीं, मतलब कोई मतलब कुछ जस्टिफिकेशन का बात था ही नहीं, कुछ आप जस्टिफाई करो या फिर आप कुछ बोलो या पूछो, वो सब चीज़ साइड गई, तेल लेने सब कुछ तेल लेने गई, हम जो बोल रहे हैं वही बस अभी निकलो करके, ऐसा करके इनडायरेक्टली ऐसा बोला गया भाई, बस हो गया तुम निकलो अभी, इंग्लिश में पोलाइटली ये कहा गया निकलो बस। फिर मैंने बोला कि अभी समझा के क्या फायदा, निकलते हैं। मतलब मेरे साथ जो हुआ फिर मेरे को बहुत बुरा लगा। फिर उसके बाद मैं निकल के आया, अपने डेस्क में आया, बैग पैक कर रहा था, बैग पैक कर रहा तो IT वाला जो है वो बंदा बोलता है कि आई एम सॉरी तुम्हारे साथ बुरा हुआ करके। उसको पता था ये सब। अच्छा, बट उसने बताया, इसलिए उसने लैपटॉप पहले मांग लिया था। एग्जैक्टली, लैपटॉप लेके पहले से ही है कुछ है। और फिर ऐसे हुआ, फिर उसके बाद उसने ये बोला कि जो बैग है ना ये भी लौटाना है, जो माउस है हेडफोन है ये भी लौटाना है। मैं बोला यार माउस हेडफोन जो भी है ले लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैग तो मैं टिफिन बॉक्स लाया हूँ उसमें मेरे कुछ चीज़ें हैं उसमें, वो लेके कैसे जाऊँगा, मैं बाइक में आया हूँ भाई, इतना तो समझो कर। नहीं वो बोलता नहीं बैग लौटाना ही है, मतलब वो तो था बड़ा डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। फिर उसके बाद मैंने बोला यार बैग ले जाने तो कल लौटा दूंगा यार, उसमें क्या बैग में क्या रखा है, और अभी मैं दूसरा, मेरे को पहले बताया होता मैं दूसरा बैग लेके आया होता अपना लेके जाता उसमें, तो फिर वो थोड़ा डिस्टर्बिंग था। फिर उसने बोला कि ठीक है मैं अपने मैनेजर से बात करता हूँ, अपने मैनेजर से बात किया। एंड ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जो IT का बंदा है मेरे साइड में ही बैठता था, वो छोटी कंपनी है 5-6 लोग ही आते थे, हम एक दूसरे को सब जानते हैं। उस सिचुएशन में उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है, तो वो बड़ा डिस्टर्बिंग था। फिर उसने बोला ID कार्ड भी दे दो, एक्सेस कार्ड भी दे दो। मैंने बोला मैं बाहर कैसे जाऊँगा यार, बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए भी एक्सेस कार्ड चाहिए। तो उसने बस ऑफिस से निकालने के लिए एक्सिस कार्ड लगा दिया, बिल्डिंग से निकालने के लिए बोला कि सिक्योरिटी से पूछ लो या फिर कोई जाएगा उसके साथ टेल गेटिंग करके चले जाओ। वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। बस इतना सब हुआ ना, बस इतना नहीं हुआ कि मैं रोया नहीं, बस इतना बोल सकते हो बस है? मतलब तब तक मैं शायद बहुत सारी चीज़ें देख के स्ट्रांग हो गया था। फिर मैं गया कैसे भी सिक्योरिटी से बोल के, डोर खोलो ये वो करके चला गया मैं बाहर। फिर मैं जैसे बेसमेंट में गया, मैंने अपनी बाइक निकाली, हेलमेट डाला और फिर मैं रोना स्टार्ट किया, ठीक है। तब तक मैं इसे कंट्रोल करके था, जो HR के साथ हो, IT वाले के साथ हो, ऐसा सब होने के बाद मैं फिर रोने लगा बहुत। फिर मुझे पता भी नहीं ना क्या करूँ, मैं क्या करूँ कुछ, सब कुछ यू जस्ट गो ब्लैंक। उस टाइम में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ, घर भी जाऊँ कि नहीं। फिर मैं थोड़ी देर सोचा, रोया, फिर मैं हेडफोन लगाए, गाने सुना, फिर बाइक लेके निकला, फिर थोड़ा घूम फिर के फिर घर गया। किसी को कुछ बताया नहीं, सब कुछ नॉर्मली, डिनर खाया, जाके सो गया। फिर अगले दिन जाके मैंने बताया, मम्मी टिफिन पैक कर रही थी जो ऑफिस जाने के लिए, तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा। एंड फिर मैंने बोला कि कंपनी से निकाल दिया, तो ऑब्वियसली उनके लिए शायद उतना बड़ी चीज़ नहीं होगी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा था कि भाई मतलब 50-60 लाख का जॉब मिला एंड 15 दिन में बाहर। तो फिर सारा डिस्टर्बिंग था, फिर 1-2 हफ्ता ऐसे निकला, बाउंस बैक। ये सब पता है कि ये फेज मतलब एक तो अचानक पता चलता है, वो डाइजेस्ट करने में ही अपने को समझ में नहीं आता कि भाई क्या हुआ, क्या मतलब आज इतना अच्छा पैकेज और अभी क्या हो गया। लेकिन इससे ये भी नहीं, ये एक फेज है, ये जो ले ऑफ और रिसेशन की बात करते हैं वो कभी ना कभी हर एक के लाइफ में या करियर में आएगा ही। लेकिन जैसे आपने बोला कि हाँ रोना वो सब आएगा ही, लेकिन
अगर उसको लेके बैठे रह गए, जैसे आपने अपन वो भी बात करेंगे कि इसके बाद क्या क्या, लेकिन अगर आप वो चीज को लेके बैठ जाते हो 6 महीना 1 साल, तो फिर आपका करियर आपने ही खत्म कर दिया। वो कंपनी ने तो सिर्फ आपको निकाला था, लेकिन आपने अपना करियर खुद से ही खत्म कर दिया। सही बात है। तो उसके बाद फिर बाउंस बैक बोला आपने, तो कैसे बाउंस बैक किया और फिर मिला कंपनी का ऑफर? हाँ, फिर क्यों नहीं मिलेगा यार, ठीक है, उतना बड़ा नंबर ना मिले बट क्यों नहीं मिलेगा। फिर हमने थोड़ा कॉन्टम्प्लेट किया, फिर सोचा कि पैसे के पीछे नहीं जाना। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, एक अच्छा कंपनी भी होना ज़रूरी है। तो फिर मैंने अच्छा कंपनी सोच समझ के इंटरव्यूज़ दिए, इंटरव्यूज़ तो दिए, फिर सोच समझ के चूज़ किया कौन सी कंपनी में जाना है। पैकेज भले ही कम हो, कुछ भी हो, बट फिर अच्छी कंपनी में जाना है जहाँ पे थोड़ी देर रुकना है, अच्छे से सीखना है, काम करना है। थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए अभी वो पैसे का ग्रोथ ये वो उतना नहीं चाहिए, थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए सो दैट पीस ऑफ माइंड रहे, हर समय डिस्टर्ब ना रहो, क्योंकि कि वो मेंटली बहुत इम्पैक्ट करती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ सीखता हूँ, बहुत सारी चीज़ों में काम करता हूँ, बहुत मल्टीटास्किंग करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, और ये सब छोटी छोटी जो पैनिक चीज़ें हैं, टेंशन की चीज़ें हैं, मैं हैंडल कर लेता हूँ। बट उस टाइम में पता चल गया कि इट इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ मेंटली फिजिकली। फिर मैंने सोचा कि अच्छी कंपनी ढूंढते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं एंड फिर कई चीज़ों में काम करेंगे। तब तक मैं यूट्यूब भी स्टार्ट कर चुका था, तो वो पॉडकास्ट सब भी थोड़े फेमस हो चुके थे। तो अभी सोचा कि ठीक है, दूसरा भी अच्छा चीज़ें हैं, करते हैं, दूसरों की भी मदद करते हैं, ये सब लाइफ लेसन जो मैंने सीखा है ये सब से दूसरों की मदद करते हैं। फिर मैंने वापस से प्रिपरेशन किया अच्छे से, फिर इंटरव्यूज़ दिए, फिर से 2-3 हफ्ते लगे, फिर निकाला ऑफर। इमीडिएट जॉइनिंग था तो लगभग अच्छा ऑफर मिल गया था, 40 के आसपास का ऑफर मिल गया था, फिर मैंने जॉइन किया, काम किया फिर। नहीं अच्छा, मतलब एक चीज बहुत अच्छा बोला आपने कि हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग जाते हैं, जैसे आपका एक्सपीरियंस पूरा अलग हो गया। मतलब आपने गलती की कि हाँ भाई ये कंपनी ज्यादा पैसे दे रही है, मैं उसमें चला जाता, शायद उससे कम वाला पैकेज लिया होता और थोड़ा रिसर्च किया होता कि भाई वो कंपनी अच्छी, तो आज शायद आपकी सैलरी ज्यादा होती। करेक्ट, सैलरी ज्यादा हो ना हो बट पीस ऑफ माइंड बहुत रहता, तो वो मेरे को लगता है सैलरी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आप खरीद नहीं सकते पैसे से। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि मेरे को रिसर्च करना चाहिए था, लोगों से बात करना चाहिए। फिर उसके बाद जब भी मैं कुछ करने लगा या कुछ भी किया, मैंने पक्का अच्छे से रिसर्च किया, सोचा समझा, घर में बात किया, ऑफिस जाके आया, सब चीज़ें थोड़ी मैंने रिसर्च की, तो उस हिसाब से फिर मैं थोड़ा वाइज डिसीजन लेने लग गया। एंड आप जो भी पॉडकास्ट देख रहे हो, प्लीज़ पैसे पैसे मत करना, जो भी है अच्छी कंपनी, डिसेंट कंपनी, थोड़ा स्टेबिलिटी, अगर आप मैरिड हो तो पक्का ये सब चीज़ तो सोचना ही सोचना, और जो नहीं हो वो भी वैसा पैसे मत भाग जाना यार, क्योंकि कि वहाँ पे जाके फिर डायनामिक्स समझ में नहीं आएगा आपको कि स्टार्टअप में होता क्या है, कि कुछ उनका प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं है, आप जाओगे ऑफिस वहाँ बैठने के लिए जगह भी नहीं होगी, बट बोलेंगे हर दिन ऑफिस आओ, तो थोड़ा डिस्टर्बिंग रहता है, पैसे इतने आ रहे हैं बट आपको बैठने की जगह नहीं है, फिर क्या फ़ायदा। सही है, फिर इसीलिए थोड़ा अच्छे से रिसर्च करो, जो भी देख रहे हो, यंग लोग हो या एक्सपीरियंस लोग हो, जो भी देख रहे हैं आप वीडियो को, तो ये थोड़ा रिसर्च करिए एंड आपके लिए प्रायोरिटी क्या है उस हिसाब से लीजिए। पैसा प्रायोरिटी है तो बी रेडी फॉर रोलर कोस्टर, कुछ भी हो सकता है, आर या पार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हम लोग ने ऑलरेडी इतना सब डिस्कस कर लिया, हो ये सब के लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन कृष्णा आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे लोगों के लिए, जैसे जैसे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया नॉन आईटी से आईटी में कैसे आ सकते हैं, या वो लोग के लिए जो लोग सोचते हैं कि जैसे मैंने बोला कि टेस्टिंग अंडर पेड है, लोगों को लगता है पैसा नहीं मिलता, तो आप कुछ उनको एक फाइनल एडवाइस देना चाहते हो कि आपको लगता है वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है? मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा मत समझो, क्यूए को कम नहीं समझना भाई, ठीक है, गुस्सा आ जाएगा मुझे, हम दोनों को, तो क्यूए को कम नहीं समझना। देखो आपको लगता है क्योंकि आपने इतना ही देखा, ठीक है, थोड़ा दुनिया घूमो, पता चलेगा, ठीक है, क्यूए आर नॉट अंडर पेड। अगर आप अंडर पेड हो देन यू आर लैकिंग, कि आपको नेगोशिएट करना नहीं आता है, आपको अपने स्किल को दिखाना नहीं आता है, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उस पर काम करो, आप यू विल नेवर बी अंडर पेड, ठीक है। yes. मैं इतना गारंटी बोल सकता हूँ, और मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाया था, ऑब्वियसली मैं फ्रंट एंड बैक एंड की इतनी सारी चीज़ें नहीं जानता, ऑटोमेशन साइड में मैं इतना नहीं जानता, भले ओवरऑल समझता हूँ बट इतना नहीं जानता हूँ, बट ETL में डेटा साइड में मैं इतनी गारंटी देता हूँ। मैंने एक वीडियो भी बनाया, डेटा इंजीनियर वर्सेज डेटा टेस्टर,
उसका एक वीडियो बनाया, उसका व्यूज भी बहुत अच्छे आए हैं। वो वीडियो पक्का आप लोग देखना, मैंने बताया है, सिंपल तरीके से बताया है कि मैं जिस कंपनी में, मैं खुद 5-6 प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूँ, मैं जिस भी प्रोजेक्ट में काम किया हूँ वहाँ के डेटा इंजीनियर को पक्का मेरे से कम सैलरी मिली है, और एक नहीं कई 2-3। आप बातें करते करते पता लगा लेते हो ना, तो 2-3 डेटा इंजीनियर जो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसी किसका मेरे से डबल एक्सपीरियंस है पर मेरे से आधा सैलरी हो सकता है, ऐसा भी है सिचुएशन, ठीक है। तो आप बस एक साइड मत सोचना कि अरे अंडर पेड ये वो, ऐसा नहीं है। आप अपने स्किल पे काम करिए, अपना स्किल अच्छा करिए, एंड नेगोशिएट करना भी सीखिए कि सैलरी कैसे नेगोशिएट करना। यू शुड नॉट बी वेरी रिजिड कि हाँ इतना तो इतना ही करके, नहीं, यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ। और अगर आप सोचते हो अंडर पेड है, फिर अपने स्किल पे काम करो ना, आप अच्छा करो, क्यों मिलेगा। एंड डोंट गो बाय पीपल कि डेवलपर को ज़्यादा मिलता है। पीपल समटाइम पीपल फेक इट, वो झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि वो अपना स्टेटस बनाना ही चाहते हैं कि हम डेवलपर हैं, हमारा सैलरी ज़्यादा ही है करके। कुछ कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, कुछ कुछ लोग अगर सच बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि इट्स नॉट ऑलवेज डेवलपर गेट हाई सैलरी। हाँ, उनका टेक्निकल स्किल अच्छा है तो उनको ज़्यादा मिल रहा होगा, ठीक है। आपका टेक्निकल स्किल अच्छा है तो आपको भी ज़्यादा मिलेगा, ये चीज़ मैं बोलूँगा। पक्का स्किल पर काम करो एंड वाइज डिसीजन लो, कंपनी चूज करने में हो या पैसे में हो। पैसा सब कुछ नहीं होता है, इतना समझ लो। अच्छा पैसा मिल गया, अगले दिन रिसेशन आ गया, कंपनी बंद, फिर कुछ नहीं होने वाला। अच्छा कंपनी है, अच्छा प्रोजेक्ट है जहाँ पे पीस ऑफ माइंड है, तो भाई पैसा फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक एडवाइस मेरे साइड से ये रहेगी कि सैलरी भी ऐसा नहीं है कि आप आज आईटी में आ गए और आपका 50-80 लाख पैकेज हो जाएगा। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, थोड़ा एक्सपीरियंस लो, उसके बाद एक स्विच मारो, उसमें अच्छा हाइक लो, फिर एक स्विच मारो। नहीं तो लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई 3 साल में मेरा 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, वो भी रियलिटी नहीं है। तो सिर्फ चकाचौन देख के बाद आओ, ये थोड़ा प्रोसेस अगर फॉलो करोगे तो आपका 5 साल के बाद, 6 साल के बाद या 4 साल के बाद भी अगर आपने अच्छा गाइडेंस लिया, जैसे आपने बोला मेंटरशिप अच्छा मिला, तो आप अच्छे पैकेज पे पहुंच सकते हो जहाँ पे लोग अभी 10 साल में है। तो वो गलती मत करना। एग्जैक्टली, सही है, एकदम सही है, बहुत अच्छी बात है। और इवन ग्रेजुअली ग्रो करना ही बेस्ट है। आप ऐसे फटाफट ग्रो हो जाओ फिर दिखने रहा कोई, वैसे अच्छा नहीं है। धीरे ग्रो करो बट रहो मैदान में, रहोगे रन आएंगे अपने आप। मैच में रहोगे तो रन आएंगे, टीम के बाहर गए फिर कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए ये बहुत अच्छी एडवाइस की आपने। नहीं तो ऊपर गए तो उड़ जाओगे ऊपर, फिर ऊपर से गिरोगे ना, फिर ऊपर ही जाना है फिर। मतलब इसीलिए आज ये हम लोग पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। मतलब कृष्णा की स्टोरी सुन के मैं खुद पर्सनली भी मोटिवेटेड हुआ था कि मतलब इतने अप्स एंड डाउन्स, मतलब ऐसा नहीं कि ग्रेजुअली इंक्रीज भी हुआ है, ऊपर गए वापस नीचे है, वापस ऊपर गए वापस नीचे, ऐसा जर्नी था। लेकिन इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग, अगर आप इससे थोड़ा बहुत भी सीख लेते हो तो आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। कि मतलब आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको करियर में क्या करना है, कैसे करना है। जब कृष्णा एक नॉन आईटी से आईटी में आ सकता है तो आप भी आ सकते हो ना, जब हम लोग ने किया है तो आप लोग भी कर सकते हो। अपना टाइम देने के लिए, अपने इतने स्टोरी बताने के लिए, ये पॉडकास्ट के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इनवाइट एंड कॉल। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपको जानने में भी बहुत मजा आया, इसको पॉडकास्ट के लिए प्लानिंग करने में भी बहुत मजा आया। हम टाइम डिसाइड करते करते बहुत बिजी शेड्यूल में थोड़ा लेट हो गया, बट आई होप बहुत हेल्पफुल रहा होगा जो भी सुन रहे हैं। और अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए या साथ बैठ के देखिए। आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ देखिए, आईटी वाले नहीं हैं उनको भी भेजिए और देखिए, इंस्पायर करने के लिए बोलिए। आईटी का लाइफ आसान नहीं होता है, कोई कोई सोचता है बस अच्छा अच्छा ही है। तो सबको दिखाइए, सबके साथ शेयर कीजिए, इसको वायरल कर दीजिए। जिसको भी हेल्पफुल आपको लगे कि उनको मदद कर सकता है, उनको शेयर कर दीजिए, और कुछ नहीं। Yes, please.